राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय सात। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय सात। तब एलिशा ने कहा, आप यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है कि कल इसी समय शोमरून के फाटक से सवा भर मैदा एक शकेल में और दो सा जव भी एक शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। और चार कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहें कि नगर में जाए तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, और जो हम यही बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाए, यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तब भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। तो हम पह फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो आराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई मनुष्य नहीं है, न मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया, और राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि आरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपने को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो घोड़े नगर में बचे रहे हैं उनमें से लोग पांच घोड़े ले और उनको भेजकर हमको हाल बता दे। वे तो इस्राएल की सब भीड़ के समान है जो नगर में रह गए हैं, वरन इस्राएल की जो भीड़ मरमिटी है वे उसी के समान है। सो उन्होंने दो रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको आराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। तब वे यर्दन तक उसके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें आरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार एक सा मैदा एक शेकेल में और दो सा जव एक शेकेल में बिकने लगा। और राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। यह
परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहां आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय शोमरोन के फाटक में 2 सवा जव 1 शेकेल में और 1 सवा मैदा 1 शेकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था कि सुन, चाहे यहोवा आकाश में झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ। अतएव वह फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया।